आप सभी लोग को तो पता होगा ही कि टीचर बनने के लिए बीएड का कोर्स करना आवश्यक है। बीएड के अलावा और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसे करके आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग सजेशन देते हैं बीएड कोर्स करने के लिए, क्योंकि बीएड कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि बीएड करने के बाद क्या करें, बीएड कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद टीचर बनने का क्या प्रोसेस है, बीएड कंप्लीट करने के बाद क्या क्या करना होगा अगर किसी कैंडिडेट को टीचर बनना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और आपको मैं पूरा एक रोड मैप बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप टीचर बन सकते हो बीएड कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको बीएड करना होगा। बीएड आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। जो 12th के बाद जो बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो सभी जगह अभी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड का कोर्स होता है ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, छोटे जगह, बड़े जगह, यानी कि दूर दराज के इलाकों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सभी जगह ये कोर्स आपको ईजिली कॉलेज में अवेलेबल होता है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स कर सकते हैं। जो भी आपकी ग्रेजुएशन में स्ट्रीम होगी, आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी, साइंस होगी, उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो ये कोर्स आपके लिए 2 साल का होगा। अगर आप 12th के बाद करते हो तो ये आपके लिए 4 साल का होगा। तो देखो, जब आप बीएड अपनी कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद दोस्तों आपको टेट का एग्ज़ाम देना होता है। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट 2 तरीके का होता है, एक एस टेट होता है, एक सी टेट होता है। सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हो तो ऑल इंडिया में कहीं भी टीचर की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी उसका एग्ज़ाम हो गया, फिर जो भी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप टीचर बन जाओगे। लेकिन जो एस टेट होता है ये दोस्तों स्टेट वाइज होता है। एस फॉर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एस टेट सभी स्टेट में अपना अलग अलग होता है, जैसे बिहार टेट, यूपी टेट, पंजाब टेट, राजस्थान टेट। तो अब जिस भी स्टेट का टेट क्लियर करोगे, मान लो कि आपने राजस्थान टेट क्वालिफाई कर लिया, तो राजस्थान में जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी आप उसी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एस टेट क्लियर किया है, मान लीजिए कि आपने राजस्थान टेट क्वालिफाई किया है और अगर यूपी में टीचर की वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने राजस्थान का टेट क्वालिफाई किया तो आप सिर्फ राजस्थान के जो वैकेंसी आएगी टीचर की, आप उसमें एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सी टेट वहीं पे कर लेते हो तो राजस्थान में वैकेंसी है, चाहे यूपी में वैकेंसी है, चाहे पंजाब में, बिहार में, कहीं भी टीचर की वैकेंसी है तो आप उसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपने सेंट्रल लेवल पे टेट क्वालिफाई किया है, आपने स्टेट लेवल पे टेट क्वालिफाई नहीं किया। तो यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, सी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट में टीचर के लिए वैकेंसी आने पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एस टेट क्वालिफाई करते हो तो उसी पर्टिकुलर स्टेट में टीचर की वैकेंसी आने पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपने बीएड कंप्लीट किया, आपने सी टेट या फिर एस टेट कंप्लीट किया, उसके बाद जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी आपको उसमें अप्लाई करना होगा। उसके बाद 2 प्रोसेस होते हैं, कई जगह तो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है और कहीं कहीं पे आपको एक बार और एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये आपका लास्ट स्टेज होता है। अगर मेरिट बेसिस पे एग्ज़ाम हो जाता है, अगर आपके मेरिट अच्छे हैं या आपके नंबर अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर एग्ज़ाम दे के सिलेक्शन होगा तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका फाइनल स्टेज होता है। अगर आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर होगा उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यही पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए या फिर क्लास 12 पास कीजिए, उसके बाद बीएड का कोर्स कीजिए, उसके बाद टेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद अगर मेरिट बेसिस पे होता है तो उस तरीके से, नहीं तो एग्जाम देने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।